हेलो एवरीवन, हमने अपना एक चैप्टर नंबर 3 व्हाई डू वी फॉल इल स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए थे। क्या क्या थे वो टॉपिक्स और आपको क्या क्या करना है कॉपी वर्क में, पहले वो देखते हैं हम। देखो ये थे वो टॉपिक्स चैप्टर नंबर 3 व्हाई डू वी फॉल इल। सबसे पहले था डिजीज़, उसका डेफिनेशन मैंने आपको बताया और डिजीज़ क्या होता है ये मैंने आपको बताया। ये जो टॉपिक सब मैंने लिखे हैं ये सब आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट था टाइप्स ऑफ डिजीज़, उसमें था कंजेनाइटल डिजीज़ और एक्वायर्ड डिजीज़। कंजेनाइटल डिजीज़ क्या होती है और उसके एग्जांपल, एक्वायर्ड डिजीज़ क्या होती है और उसके एग्जांपल, और उसके टाइप्स, टू टाइप्स थे, जो थे कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ और एक था नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इन दोनों की डेफिनेशन और इनके एग्जांपल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं और उनके 4 टाइप्स जो थे, डीजेनरेटिव और ऑर्गेनिक, एलर्जीज़, कैंसर और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, ये मैंने आपको बताए थे। इन्फेक्शन का डेफिनेशन क्या है, इनक्यूबेशन पीरियड क्या है, फिर मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ मैंने आपको बताया। इसमें 2 ब्रॉड मेथड्स थे, एक तो था डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक था इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और प्रिवेंटिव मेशर्स अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ और उसके 4 टाइप्स, ये सब मैं आपको बता चुकी थी। इतना हम पढ़ चुके थे, ये सब कुछ आपको कॉपी वर्क करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपके आएंगे वो है, देखिए आप, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आप एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको कुछ कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताया गया है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन की वजह से हो जाती हैं। उनको कुछ कैटेगरीज में भी डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी बताई है डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, तो वो एक दे रखी है आपको, वो है मलेरिया। अब जो ये मलेरिया इन्होंने बताया, तो पहले मलेरिया के बारे में इन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया है, फिर उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म या कॉजल पैथोजन कौन है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, मलेरिया के सिम्टम्स क्या हैं, प्रिवेंशन कैसे होगा उसका, और कंट्रोल और ट्रीटमेंट, ये आपको जैसे बताया है। तो ये जो पॉइंट है ये सब डिजीजेस के अंदर आपके कॉमन चलेंगे। अब जैसे सेकेंड कैटेगरी है वो है डिजीज़ या डिजीजेज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ, तो वो 4 डिजीज आपको बताई है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी के नाम से भी जाना जाता है, कॉलेरा, टाइफॉइड और डायरिया। ये 4 डिजीज है जो बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स के अंदर आएंगी या बैक्टीरियल डिजीज में आएंगी। अब जब हम इनको लिखेंगे तब भी यही लिखेंगे, पहले जैसे ट्यूबरक्लोसिस क्या है, उनका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रिवेंशन क्या है, कंट्रोल क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ये सब कुछ आपको बताया है। तो हम शॉर्ट में ही पढ़ेंगे ताकि आपके ऊपर बर्डन ना आए। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है हमारा एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें फर्स्ट बताया है आपको मलेरिया के बारे में। और ये जो ऊपर वाले टॉपिक्स थे वो पिछले टॉपिक्स का एक क्विक रिव्यू था, जो कि आपको कॉपी वर्क करना है, ये आगे का भी करना है, लेकिन मैंने पीछे का भी आपको क्विक रिव्यू करवा दिया है, इससे आपको ध्यान आ जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे डिजीज के बारे में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। तो फर्स्ट डिजीज़ जो है हमारी वो है हमारा मलेरिया। देखो क्या है मलेरिया, देखते हैं। देखो मलेरिया एक बहुत ही कॉमन डिजीज है ह्यूमन बींग्स में होने वाली। ये जो मलेरिया है ये बहुत ही कॉमन एक बीमारी है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, स्पेशली अफ्रीका और यूरोप, स्पेशली अफ्रीका एंड एशिया के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब ये जो मलेरिया है इंडिया के अंदर से ऑलमोस्ट इसको इरेडिकेट कर दिया गया है, बहुत सालों से मलेरिया को इरेडिकेट कर दिया गया था कुछ कंबाइंड एफर्ट्स के जरिए, जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और NMEP ने दिखाए, या WHO
एंड NMEP के कंबाइंड एफर्ट से मलेरिया को इंडिया से इरेडिकेट कर दिया गया था। WHO आप जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और NMEP का फुल फॉर्म है नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ अपियर्ड अगेन। लेकिन फिर भी क्या है, ये मलेरिया फिर से अपियर्ड हो जाता है कुछ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से और कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रोलीफरेशन ऑफ DDT रेजिस्टेंट मॉस्किटोज एंड ड्रग रेजिस्टेंट पैरासाइट्स की मदद से आज भी हो रहा है ये मलेरिया। ठीक है, तो ये है मलेरिया, एक तरह का कॉमन डिजीज है ह्यूमन बींग्स में होने वाला। अब इसका पॉजिटिव पैथोजन जो है वो है प्लाज्मोडियम की स्पीशीज। तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, सबसे पहले आप लिखेंगे मलेरिया इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ मैनकाइंड। सेकंड, जैसे आपने लिखा पॉजिटिव पैथोजन, तो केवल पॉजिटिव पैथोजन का आपको नाम लिखना है, है ना। फिर है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलता है मलेरिया। देखो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में है बाय द बाइट ऑफ एन इंसेक्ट वैक्टर फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के काटने से, जो कि एक इंसेक्ट वैक्टर है, ये मलेरिया फैलता है। जब इन्फेक्टेड फीमेल जो है ये एनोफिलस, वो किसी भी ह्यूमन बींग को काटती है, उसके ब्लड को सक करती है एज इट्स फूड, तो ये थाउजेंड्स ऑफ प्लाज्मोडियम को ह्यूमन ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर देती है थ्रू इट्स सलाइवा। ये जो मॉस्किटो होता है, इसके सलाइवा के अंदर क्या रहता है, ये प्लाज्मोडियम रहता है, है ना। तो ये जब ह्यूमन ब्लड को सक करती है एज इट्स फूड, तो उन प्लाज्मोडियम की स्पीशीज को हमारे ब्लड में छोड़ देती है। उसी की वजह से हमें क्या होता है, मलेरिया होता है। अब मलेरिया के जो सिम्टम्स हैं, मेन सिम्टम्स दिखेंगे अब आप, तो क्या है, हेडेक, नौसिया, मस्कुलर पेन, हाई फीवर, है ना, ये है मलेरिया के मेन सिम्टम। और हर एक मलेरियल अटैक जो है वो 10 आवर्स उसका ड्यूरेशन है। और मलेरिया के अंदर 3 स्टेजेस को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट स्टेज कहलाती है कोल्ड स्टेज, है ना। कोल्ड स्टेज क्या होती है, देखो, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय चिलीनेस एंड शिवरिंग। सबसे पहले जब मलेरिया का अटैक होता है तो चिलीनेस और शिवरिंग होती है, ठंड लगती है, कोल्ड लग है या शिवरिंग है। सेकंड, हॉट स्टेज, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय हाई फीवर अप टू 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, फास्टर रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। फिर उसके बाद क्या आती है, फीवर आता है जो बहुत हाई हो सकता है। फीवर के बाद आती है स्वेटिंग स्टेज। स्वेटिंग स्टेज में बताया है प्रोफ्यूज्ड स्वेटिंग फॉलोड बाय लोवरिंग ऑफ टेम्परेचर टू नॉर्मल। स्वेटिंग स्टेज आने के बाद क्या होता है, जब प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, और आफ्टर द मलेरियल अटैक द पेशेंट फील्स वीक एंड एनीमिक। हर एक मलेरियल अटैक के बाद क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो अपने आप को वीक और एनीमिक फील करता है। ठीक है, इतना आप लिखेंगे सिम्टम्स के अंदर। आपको जो आपकी रिफ्रेशर्स वगैरह होगी उनमें काफ़ी सारा एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन आपको इतना एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको शॉर्ट में ही लिखना है, मलेरिया का पहले इंट्रोडक्शन लिखा, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म लिखा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और सिम्टम्स, जो मेन मेन चीज़ें हैं। ठीक है, उसमें तो काफ़ी सारा एक्स्ट्रा है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम प्रिवेंशन। देखो, मलेरिया में प्रिवेंशन में क्या लिखेंगे, कि जो मलेरिया है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन्स को स्प्रेड होता है बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। तो हैंस द ओनली वे टू प्रिवेंट मलेरिया इज टू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम बाइटिंग। तो एक ही तरीका है मलेरिया को प्रिवेंट करने का, कि हम क्या करें, मॉस्किटो बाइटिंग को प्रिवेंट करें। तो हम अपने आप को मॉस्किटो के बाइट से कुछ मेथड्स के जरिए बचा सकते हैं, है ना। काफ़ी सारे मेथड्स हैं, आपको 4 to 5 मेथड्स लिखने हैं। आप 5 भी मत लिखिए, आप केवल 4 मेथड्स लिखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 4 मेथड्स बताऊँ हम अपने आप को मॉस्किटोज के बाइट से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। फर्स्ट, स्लीप अंडर मॉस्किटो नेट्स टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स। सेकंड, कीप हैंड्स एंड फीट कवर्ड इन द इवनिंग्स। थर्ड, यूज इंसेक्ट रेपेलेंट्स सच एज मॉस्किटो ऑयल्स एंड क्रीम्स टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट्स। ये भी कर सकते हैं हम, है ना। और सबसे अच्छा जो तरीका है, एक है अ वेरी गुड बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज इंक्लूड एडिशन ऑफ सम लार्वीवोरस फिशेस सच एज गम्बूशिया, मिनोस, ट्रॉट्स एक्सेट्रा एंड बर्ड्स फॉर एग्जाम्पल डक्स एक्सेट्रा इन लार्ज वाटर बॉडीज। ठीक है, मतलब प्रिवेंशन में हमने एक तो क्या लिखा है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, मॉस्किटो नेट्स के अंदर सोना चाहिए मॉस्किटो बाइट से बचने के लिए।
ठीक है। इसके अलावा शाम के समय अपने हाथों और पैरों को कवर रखना चाहिए। घर में हम जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज़ करते हैं वो करें। और एक अच्छा एग्जांपल क्या है, एक बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है कि कुछ फिशेस और कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि मॉस्किटोज़ के लार्वास पर फीड करती हैं, तो हम लार्ज वाटर बॉडीज़ में अगर इनको इंट्रोड्यूस करवाएं तो ये मॉस्किटोज़ के लार्वास को खाकर ख़त्म कर सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं कि मॉस्किटो लार्वास को हम किल कर सकते हैं, केरोसिन ऑयल के स्प्रिंकल करके, है ना। कहीं पर भी हम पानी को क्या नहीं करने दें, स्टेगनेंट ना होने दें, जिससे कि मॉस्किटोज़ को ब्रीडिंग ग्राउंड ना मिले, है ना। जो हमारे हाउसेज हैं वहाँ पर जो डोर्स और विंडोज़ हैं उन पर हम वायर गॉज लगाएं, जिससे कि क्या ना आए, मॉस्किटोज़ ना आए। काफ़ी सारे तरीके हम बता सकते हैं, लेकिन आपको जो भी इजी या अच्छे लगे आप 4 मेथड्स वहाँ पर लिखिए। नेक्स्ट है फिर ट्रीटमेंट। लास्ट में देखो, जो मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं उनको हम किल कर सकते हैं बाय टेकिंग सर्टन मेडिसिन। वैसे ओरिजिनली सबसे पहले कुने नाम की डिजीज़ है जो कि सिंकोना नाम का एक ट्री उसके बार्क से मिलती है, उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन आजकल बहुत सारे सिंथेटिक ड्रग्स है जैसे क्लोरोक्विन फोस्फेट, प्रीमाक्विन और मोस्ट इफेक्टिव है डेराप्रेम, इनको हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। यानी कि एंटीबायोटिक्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था आपका मलेरिया। इस तरह से आपको क्या करना है, डिजीजेस का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताया है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं। मलेरिया शॉर्ट में लिखेंगे, मलेरिया क्या होता है, फिर कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है मलेरिया का, है ना, सिर्फ नाम लिखना है आपको, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिस तरीके से वो फैल रहा है, वैसे बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, तो शॉर्ट में वो। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या होते हैं मलेरिया के, इसमें 3 स्टेजेस को आप जरूर बताएंगे, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। फिर आएगा प्रिवेंशन कि हम मॉस्किटो बाइटिंग से अपने आप को कैसे बचाएं, तो एटलीस्ट सिर्फ आपको 4 प्रिवेंटिव मेथड लिखने हैं। और फिर ट्रीटमेंट सिर्फ कुछ एंटीबायोटिक्स का आप नाम लिखें वहाँ पर, है ना, शॉर्ट में आपको करना है। ऐसा नहीं है कि बुक के अंदर इतना सारा दिया है तो आपको एज इट इज़ आपने देख कर उसको लिख दिया, वैसा नहीं करना है, सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट जो मेन मेन है वो करना है, ठीक है। फिर अब हम कुछ बैक्टीरियल डिजीज देखते हैं कि क्या है बैक्टीरियल डिजीज। यस, नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। तो सबसे पहले उसमें आपको बताया है टीबी के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस क्या है। देखो, टीबी जो है, सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कॉच, उन्होंने 1882 में इसको डिस्कवर्ड किया था और उसके लिए इनको नोबल प्राइज भी दिया गया 1905 में। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि इन्फेक्टेड पेशेंट से हेल्दी पर्सन्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। इसका कॉजेटिव पैथोजन जो है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो है 2 to 10 weeks। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो है नेजल डिस्चार्जेस एंड स्पूटम ऑफ पेशेंट, है ना, जो पेशेंट से के नेजल डिस्चार्जेस निकलते हैं या स्पूटम निकलता है ना, उनके जरिए इसके जर्म्स जो हैं वो फैलते हैं। इसके अलावा भी वाइल कफिंग, स्नीजिंग, स्पीकिंग और स्पाइटिंग के दौरान भी इसके जर्म्स फैलते हैं। जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स निकलते हैं नेजल या ओरल सीक्रेशंस के, उनके अंदर टीबी को कॉज करने वाले क्या होते हैं, जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके जरिए ये फैलता है। तो सिर्फ आप एक सिंपल लिखिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में थ्रू नेजल डिस्चार्जेस एंड स्पूटम ऑफ पेशेंट्स। इसके बाद सिम्टम, टीबी के सिम्टम क्या होते हैं। देखो, जो बैक्टीरिया टीबी के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसको ट्यूबरकुलिन के नाम से जाना जाता है। ये टीबी और ये ट्यूबरकुलिन नाम का टॉक्सिन जो है वो हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स को इफेक्ट करते हैं, जैसे लंग्स हैं, लिम्फ ग्लैंड्स हैं, बोन्स हैं, इंटेस्टाइन हैं। कुछ जो कॉमन सिम्टम्स हैं टीबी के वो हैं, सबसे मेन सिम्टम है इन्फेक्शन ऑफ लंग फॉलोड बाय कफ, नेक्स्ट स्पूटम विद ब्लड, पेन इन चेस्ट, देयर इज़ लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट, द पेशेंट फील सिक एंड वीक, है ना, टिपिकल फीवर पैटर्न्स, ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है। स्पूटम में ब्लड का आना, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होना जो कफ के जरिए होता है, भूख कम लगना, वजन कम हो जाना बॉडी का, है ना, पेशेंट जो होता है वो सिक और वीक फील करता है, पेन इन चेस्ट मतलब चेस्ट में पेन होना, ये सब, या टिपिकल फीवर पैटर्न, ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। और ये जो सिम्टम्स होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के, वो डिपेंड करते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन के, बॉडी के कौन से पार्ट को इन्फेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर मेनली 2 साइट्स आपको बताइए, एक तो है फर्स्ट लंग और पल्मोनरी टीबी, और सेकंड बताया है लिम्फ ग्लैंड टीबी,
दो तरह के आपको टीबी बता रखे हैं, लेकिन आपको इतना लंबा नहीं लिखना है, आप सिर्फ कॉमन सिम्टम लिखो। आप न तो लंग और पल्मोनरी टीबी लिखेंगे, न आप लिम्फ ग्लैंड टीबी लिखेंगे, सिर्फ आप कॉमन सिम्टम्स ऑफ टीबी लिखिए, ठीक है। उसके बाद है प्रिवेंशन, टीबी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। देखो द वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स इंक्लूड, पहला अवॉइड डार्क पोल्यूटेड एंड कंजेस्टेड एरियाज, सेकेंड आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट्स, सबसे मेन है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्पूटम एंड नेजल डिस्चार्जेस, हेल्थ एजुकेशन और इम्यूनाइजेशन विथ BCG वैक्सीन। BCG एक वैक्सीन है जो टीबी के लिए है, उसका फुल फॉर्म है बैसिलस कैलेमेटिक गुरी, ठीक है। और फिर ट्रीटमेंट और कंट्रोल में आप लिखेंगे एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स का लेना विच आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो एंटीबायोटिक्स के जो कुछ है आपको, जैसे एक नाम बताया होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह नाम बता रखे हैं, दो चार आप एंटीबायोटिक्स के नाम वहाँ पर लिखेंगे। एंटीबायोटिक है मेनली यहाँ पर जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है और BCG है, इसके अलावा इथेम्बुटोल है, इस तरह से कुछ नाम दे रखे हैं आपको, तो वो आप एक दो एंटीबायोटिक्स के केवल नाम लिखिए। समझ में आया। टीबी देखो, टीबी सबसे किसने डिस्कवर्ड किया है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये ट्रांसमिट हो सकती है, कॉजल ऑर्गेनिक का केवल नाम लिखेंगे, इनक्यूबेशन पीरियड का केवल टाइम लिखेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन केवल 2 लाइन्स में आप बताएंगे, सिम्टम्स क्या है मैंने आपको बताए, आप 3 to 4 सिम्टम्स आप इजी सिम्टम्स वहाँ लिखेंगे, कॉमन सिम्टम। और उसके बाद प्रिवेंशन में 3 to 4 मेथड से ज़्यादा आप मत लिखिए प्रिवेंशन में, और कंट्रोल में आप एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बता रखे हैं आपको, एक दो एंटीबायोटिक्स के नाम बताएंगे, ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो और आप पे बर्डन ना आए लिखने में, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ जो आपको बताइए फिर यहाँ, वो है कॉलेरा। कॉलेरा के बारे में बताया है कि कॉलेरा क्या होता है, ठीक है। कॉलेरा भी एक तरह की क्या होती है, बैक्टीरियल डिजीज होती है वो, ये एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ है एंड इज मोर कॉमन ड्यूरिंग फेयर्स एंड आफ्टर फ्लड्स। इसका पॉजिटिव पैथोजन जो है वो है विब्रियो कॉलेरी नाम का एक बैक्टीरिया। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 6 hours to 2 to 3 days। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो है कि ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है, तो इट स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड फॉलोज ओरल फीकल रूट। इट स्प्रेड्स रैपिडली व्हेन द सैनिटेशन इज इन पुअर कंडीशंस, तब ये ज़्यादा फैलता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एक्यूट डायरिया विच इज जनरली पेनलेस, स्टूल हैज राइज वाटर लाइक अपियरेंस, एफर्टलेस वॉमिटिंग, लॉस ऑफ सेवरल लीटर्स ऑफ फ्लूड विद इन आवर्स कॉजेज डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, मस्कुलर क्रैम्प्स, आइज बिकम संकन, है ना, आंखें जो होती है धसी हुई दिखाई देती है। एफर्टलेस वॉमिटिंग और एक्यूट डायरिया की वजह से क्या होता है, कुछ ही घंटों में बॉडी से काफ़ी सारा फ्लूड जो है, पानी जो है वो निकल जाता है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिखेंगे, देखो जो भी बीमारी कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलती है उसके लिए सबसे कॉमन प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं कि हमें बॉइल्ड वाटर का यूज़ करें, हॉट एंड फ्रेश फूड शुड बी टेकन, अवॉइड स्टेल फूड, वेजिटेबल्स इफ टेकन अनकुक्ड एंड फ्रूट्स शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड विथ रनिंग वाटर। ये तो सब कॉमन है कि अगर आप वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स का यूज़ कर रहे हैं, फ्रूट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रॉपरली वॉश्ड होने चाहिए। फ्रेश फूड आप लें, बॉइल्ड वाटर आप लें, हैंड शुड बी वॉश्ड विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील्स, है ना, ये सब कॉमन प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। उसके बाद एक कंट्रोल और ट्रीटमेंट, देखो फॉर प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, ORS दिया जाता है, है ना, ORS का सोल्यूशन, मतलब ORS एक सोल्यूशन का नाम है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, वो दें। इसके अलावा इमीडिएट मेडिकल एडवाइस शुड बी टेकन, सर्टन एंटीबायोटिक्स सच एज टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन, क्लोरम फिनिकोल आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉलेरा। तो कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम है जैसे टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन, ये इजी नेम है तो आप ये लिख सकते हैं, कॉरम फेनिकोल जो है वो थोड़ा टफ रहेगा आपके लिए, तो जो इजी आपको एंटीबायोटिक्स के नाम लगे जिनकी स्पेलिंग्स आप लर्न कर सकते हैं वो एंटीबायोटिक्स आप लिख लें। तो ये था कॉलेरा, ठीक है। कॉलेरा क्या होता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म विप्रियो कॉलेरी, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, फिर इसके सिम्टम्स, और सिम्टम्स की बात है प्रिवेंशंस, और फिर कंट्रोल। मैं फिर आपको बता रही हूँ, आपको रेफ्रेशर्स के अंदर काफ़ी सारा लंबा मिलेगा, इतना लंबा आपको नहीं लिखना है, जितना मैंने बताया उतना लिखें ताकि आप पर बर्डन ना आए, ठीक है। शॉर्ट में आप करें, कॉलेरा सिर्फ लिख दिया आपको, जो मेन ट्रांसमिशन मेथड है वही बताना है 1 or 2 सेंटेंस में, सिम्टम्स में एटलीस्ट 4, प्रिवेंटिव मेजर्स में भी एटलीस्ट 4, एंटीबायोटिक्स में 2 to 3 एंटीबायोटिक्स के नाम आपको लिखने हैं।
तो अभी हम पढ़ रहे हैं डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इसमें मैंने आपको दो डिजीजेस बताई, ट्यूबरक्लोसिस और कॉलेरा। अभी दो डिजीजेस बाकी हैं आपकी, टाइफॉइड और डायरिया, ठीक है, वो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए मैंने आपको बता दिया क्विक रिव्यू पिछले टॉपिक्स। आज बताई मैंने आपको थ्री डिजीज, प्रोटोजोआ से होने वाली मलेरिया और बैक्टीरिया से होने वाली टू डिजीज हैं, ट्यूबरक्लोसिस और कॉलेरा। उनको किस तरह से आपको नोट बनाना है ये भी बताया है, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में।